नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर है आजमगढ़ के अतरौलिया से। हम आपको बताते चलें कि आज अतरौलिया विधानसभा में पचपड़वा आश्रम पर हरिहरात्मक महायज्ञ की पूर्ण आहुति की गई और विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। पचपड़वा के महंत चंद्रेश जी महाराज ने अपने मुखार बिंदु से लोगों को प्रवचन भी श्रवण कराए और साथ में श्री अवध धाम से आए हुए पंडित बाल गोविंद शास्त्री जी महाराज प्रवचन के दौरान सभी भक्तों को मनमुग्ध कर मोहित कर दिए। जब मीडिया से बात हुई तो यज्ञ के आचार्य पंडित हरिकेश शुक्ला जी ने होलाइस्ट और ज्योतिष के बारे में क्या कहे, आइए सुनाते हैं न्यूज़ 9 भारत से अमित तिवारी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख सकते हैं न्यूज़ 9 भारत से, मैं अमित तिवारी। मैं इस वक्त आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा में पचपड़वा आश्रम पर आया हूं। आज यहां पर हरिहरात्मक यज्ञ का पुढ़ावती है। आइए मैं महाराज जी से जानना चाहूँगा। महाराज जी, आज ये हरिहरात्मक यज्ञ का पुढ़ावती है तो किसी इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? हरिहरात्मक यज्ञ, आपको मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं कि जो हम लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने के बाद हम लोग पुढ़ावती करते हैं। पुढ़ावती का विशेष महत्व है और पुढ़ावती करने के बाद हम लोग भंडारा करते हैं। तो जो हमारा यह जो पुढ़ावती का अंतिम दिन है तो यह हम लोग प्रसाद इसलिए देते हैं कि प्रसाद से प्रसन्नता, प्रसाद लेने से प्रसन्नता बढ़ती है, प्रसाद खाने से प्रसन्नता होती है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि इस भंडारे के माध्यम से जहाँ तक प्रसाद पहुँच जाए वहाँ तक। ऐसा भी कहा जाता है कि इसे प्रसाद खाने से सब जितने लोगों का दुख दरिद्र रहता है वो भाग जाता है, क्या यह सत्य है? ऐसा भी है, ऐसा भी हमारे शास्त्रों ने बताया है कि प्रसाद की महिमा तो बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा है भैया। तो हम यही ध्यान देंगे और यही कहेंगे कि आप सभी लोग मिल करके इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग आइए और महाराज जी श्री चंद्रेश जी महाराज हरिवर्ष यज्ञ करवाते हैं और आप लोग आकर के यहाँ प्रसाद लीजिए। और हमारा एक दिल्ली में महाराज जी हैं कमल दुबे जी, उनका भी ज्योतिष का अपना कार्य है, आप लोग भी उनसे भी संपर्क करिए। ज्योतिष ये ग्रहों के हिसाब से चलती है और ज्योतिष जिसे हम कहा गए नेत्र है, हमारा हमारे शरीर का वह नेत्र है। इसी प्रकार से शास्त्रों में ज्योतिष जो है वह एक हमारे लिए नेत्र है। तो हम लोग हर जगहों पर जा कर के और हर जिलों में हर प्रांतों में जा कर के यह ज्योतिष का कार्य सौभाग्य सलाह के माध्यम से हम सभी लोग मिलकर के करते हैं। एक तो हमारा केंद्र है ज्योतिष केंद्र आपके बिलवाई में, बिलवाई धाम है, वहाँ पर है, सुल्तानपुर जिला पड़ता है। और वैसे तो चार जिलों के बीचों में है वो, सुल्तानपुर जिला है उसको लोग कहते हैं, जौनपुर जिला है और आजमगढ़ जिला है, इस प्रकार से वो जिला के बीच में है। मतलब महाराज जी का कहना है कि जो भी लोग प्रसाद खाते हैं उनका कष्ट दूर होता है। यह अवध धाम से आए हुए हैं, यहाँ पर अवध धाम से पधारे हुए हैं आचार्य पंडित क्या नाम है आपका, हरिकेश शुक्ला जी। इन्होंने कहा कि जो भी प्रसाद खाएंगे वह उनका सब कष्ट दूर होगा। जी पंडित कार्तिकेय पांडे जी शास्त्री जी, आज जी कब से जी 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 ये यज्ञ कई वर्षों से होता आ रहा है, लगभग 34 वर्षों से अनवरत यह यज्ञ यहाँ हर साल होता है। हम भी जी चंद्रेश जी महाराज जी के सानिध्य में ये यज्ञ पचपड़वा में गत वर्षों की बात 34 वर्षों से लगातार हो रहा है। हम भी यहाँ 3 वर्ष से अनवरत आते हैं, आचार्य जी के साथ रहते हैं, सहयोगी हैं इनके प्रमुख और यज्ञ में सहायक की भूमिका से हम हमेशा कार्य करते हैं। जी जी हमारे शास्त्र में वेद कितने हैं? जी 4 वेद हैं अपने शास्त्र में और 6 शास्त्र हैं, 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। भंडारे का कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया चल रहा है और सकुशल संपन्न हो जाएगा। नमस्कार मित्रों, मैं हरिकेश शुक्ला, ज्योतिष सेवा केंद्र में आपका स्वागत है और आप लोगों को यह बताना चाहते हैं कि होलाष्टक का दोष कहाँ कहाँ लगता है, किन प्रांतों में लगता है। तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो यह दोष लगता है
वह हमारे पंजाब, अमृतसर इत्यादि जगहों पर इसका विशेष प्रभाव होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव नहीं होता है और हम सभी लोग मिलकर के सभी उत्सव को पूर्णता से हम लोग मनाते हैं। और कुछ प्रांतों में इसका जो दोष लगता है वहाँ पर शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इसका नहीं करने का तात्पर्य यह है कि इसमें जो क्रूर ग्रह हैं वह और क्रूर हो जाते हैं, जो शुभ ग्रह हैं वह भी क्रूर हो जाते हैं। इसलिए इसमें शुभ कार्य वर्जित बताया गया है, वो भी सततल नदी इत्यादि, व्यास नदी इत्यादि के तट पर बसे हुए शहरों पर विशेष प्रभाव होता है। जय श्री राम, जय राधे श्याम।